मिस्र, धरती पर मानव जाति की उपस्थिति के बाद से आज तक एक अनसुलझा रहस्य। मिस्र वासियों के शैतानी दिमाग पर आज भी काले जादू का खुमार सवार है। मरे हुए इंसानों को हजारों सालों तक यहां ममीज बनाकर रखा गया है, इसी इंतजार में कि एक दिन उनमें जान आ जाएगी और फिर उनका इस्तेमाल भारत की महादेवीय शक्तियों को वश में करने के लिए किया जाएगा। मिस्र का एक कबीला उस देवी शक्ति को अपने नापाक इरादों से पाने की कोशिश में लगा है। क्या ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएंगे? अम्मी, अब्बा जान कहाँ हैं? वो आएंगे बेटा। सीजर, मेरे शौहर मुख्तार कामयाब होकर लौट रहे हैं, जाओ उन्हें लेकर। मेरे शौहर मुख्तार कहाँ है भाईजान? क्या उन्हें वो त्रिशूल मिला जो बहुत ताकतवर है? उन्होंने रहस्यमय शक्ति को भस्म किया? क्या हुआ भाईजान? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाईजान? भाईजान, भाईजान, क्या हुआ? भाईजान, आप खामोश क्यों हैं? मुख्तार कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? ये सब क्या हो गया? किसने किया उनका ये हाल? बोलो। शौहर मुख्तार की ये आंखें एक दिन उस भारत देश का सर्वनाश होते देखेंगी। उस दिन के बाद फख्तूनी ने पूरा एक साल अंधेरे में बिताया। वो अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। उसने ठान लिया कि वो मिस्र के काले जादू और मैली विद्या से भारत को तबाह कर देगी। उसने अपने बड़े बेटे के साथ वो किया जो दुनिया की कोई माँ कभी सोच भी नहीं सकती। से आशीर्वाद दे रही हैं। पत्थर बहुत चमक रहा है, ये आपके पिताजी के गुण लेकर पैदा हुई है। स्वामी जी, इसका रक्षक कौन है? 21 साल की हो जाने के बाद ये अपने रक्षक को खुद ही पहचान लेगी। वसंत ऋतु के महाशुक्र ग्रहण तक इसकी रक्षा करना। जय जगन्नाथ माता।
फख्तूनी ने अपने शौहर की आंख निकालकर बेटे को लगा दी ताकि वो खतरनाक मानव हथियार बन सके। मंत्र तंत्र काली विद्या और कड़े प्रशिक्षण से फख्तूनी ने उसकी परवरिश की। इस 25 साल के खूंखार मानवी विनाश का नाम था राखा। स्वामी जी, मैं ज्वालामुखी पत्थर ले आया। महादेव राय जी, मैं यहाँ देवी शक्तियों के 8 पावन स्थलों पर जाकर हरिद्वार के पावन कुंभ मेले में पहुंचूंगा। तुम ये ज्वालामुखी पत्थर लेकर मुझे हरिद्वार में मिलना। ज्वालामुखी को गंगा के पवित्र जल में स्वच्छ करना होगा, फिर उसके बाद तुम चाहो तो बेटी ऐश्वर्या को सारे रहस्य बता सकते हो। देवराज जी, जी ऐश्वर्या और पत्थर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जैसी आपकी आज्ञा। देख रहे हो भाईजान, मेरा शक्तिशाली बेटा लौह पुरुष बनकर भारत का विनाश करने के लिए तैयार हो चुका है। हमें दुनिया पर राज करने के लिए रुद्र त्रिशूल चाहिए और वो ज्वालामुखी पत्थर। वो पत्थर तो उस महादेव राय के पास है, उससे वो पत्थर पाना नामुमकिन है। लेकिन क्यों? महादेव राय भारत के सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर हैं। उसे पाने का कोई रास्ता? एक ही रास्ता है, उस महादेव राय की एक 22 साल की बेटी है जो उसकी जिंदगी भी है। अगर हमें अपना मकसद पूरा करना है तो पत्थर के साथ उसे भी यहाँ लाना होगा। हैदराबाद में हमारे आतंकवादी फैले हुए हैं, किडनैप कर लो उसे। लड़की का नाम क्या है? ऐश्वर्या। सब कुछ ठीक है, कैरी ऑन। सुभाष राव, व्हाट इज दिस? अब क्या मुसीबत आ गई? बचपन से मैं यही जवाब देता आ रहा हूँ मैडम। ड्यूटी कर रहे हैं सुब्बा राव गायकोंडे, ड्यूटी पर रोज खाकर आता है 4 अंडे। तो यार मेरा भुर्जी पाव क्यों बना रहे हो? घर पर भी मैं ही अपनी पत्नी को बनाकर खिलाता हूँ। आप इस 5 स्टार में रहे या किसी ढाबे पर, वेयर एवर यू गोस आवर सिक्योरिटी फॉलोज। मुच्छट। अच्छा और कुछ? फायर!
ये फोटो मेरा है, होम मिनिस्टर की बेटी का है। होम मिनिस्टर की बेटी को कौन सी गैंग किडनैप करना चाहती है? हाय डैड, आज आप फॉरेन जा रहे हैं क्या? ऑल द वेरी बेस्ट। कल के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स प्लान बना रहे हैं जुहू बीच जाने के लिए। सोचिए कितना मजा आएगा। तुम नहीं जाओगी, ये अगले 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं जा सकती? जिद मत करो, तुम स्विमिंग करने गई थी तब कुछ गुंडे तुम्हें फॉलो कर रहे थे। तुम्हारी जान को खतरा है बेटी, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम घर में ही रहोगी। सुभाष राव सर, बेबी घर में ही रहेंगी। सिक्योरिटी को डबल कर दो, कोई चूक ना हो। चूक और मुझसे? मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, बाय। नॉनसेंस, मुझे इन हवलदारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं जेल में कैद हूँ। आज तक मैं कभी आजादी से नहीं जी सकी। तुम्हारी लाइफ बेटर है, डैम इट। डॉबरमैन स्पीकिंग, मैं ना घर में है। आयशु, हेलो आयशु। टॉमी, हम लोग ट्रिप पे गोइंग, बीच में कोई टाइम? मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे नहीं चल पाऊंगी, डैड ने फिर मना कर दिया। लोचा, डोंट वरी, एक खुफिया प्लान है मेरे पास। ठीक 1 घंटे बाद तुम सब लोग मेरे कंपाउंड वॉल के पीछे आओगे और फिर हम सब वहाँ से गायब। ओए माँ, कितनी कमी नहीं हो तुम। बाजो, बांस की नजर रखनी होगी तुम्हें मैडम पर। कल दूसरी सिक्योरिटी भी हमें ज्वाइन करने वाली है, मतलब डबल सिक्योरिटी पहलवानों। चींटी भी दिखे तो उसे उसी वक्त रोन डालो। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक, उस आर से लेकर इस पार तक, यहाँ जो भी हलचल होती है उसकी मुझे पल पल की खबर चाहिए। जब मैं सुबह सोकर उठ जाऊँ तो मैंने चाहे जितने भी सुरीली क्यों ना हो, ये डॉबरमैन उसकी मीठी बातों में आने वाला नहीं। सुपर रॉक की सिक्योरिटी की चर्चा पूरी सिटी में होनी चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लो। सुपर रॉक आए तो ड्यूटी पर रोज आता है खाकर चार अंडे। क्या प्लान लेडी? नो प्लानिंग नो प्रिपरेशन ओनली ट्रिप। आंखें बंद करके मैं अपनी उंगली जहाँ रखूंगी हम वहीं चलेंगे। ओके, हटाओ हटाओ, जयपुर। सुभाष राव की सिक्योरिटी से, घर के कैद खाने से आखिर मुझे छुटकारा मिल ही गया। आइए आइए आइए, स्वागत है। हाय, आपका स्वागत है, आइए तशरीफ लाइए। अरे गबरू जवान, आइए। क्या तुमने मुझे गबरू जवान कहा? बिल्कुल, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। यार तुम इतनी सारी लड़कियों को लेकर यहाँ मत घूमो, इस शहर में बहुत सारे ठरकिए हैं। टॉमी, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे क्या? चलो यहाँ से। नमस्ते मैडम, अपनी A to Z ट्रेवलिंग एजेंसी है। टूरिस्ट की लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग, गाइडिंग, ये गाइड करता है। और ये रही मेरी वैन। बाय द वे, तुम्हारे नाम क्या है? प्रभु। प्रभु मतलब गॉड। हे प्रभु, आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मतलब डॉग। टॉमी, मर्सिडीज BMW में बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। हाँ। चलो ना इस पर चलते हैं। सही कहा, बहुत मजा आएगा। सलमान, वांटेड, फिल्म लगी है। टॉमी, मुझे फिल्म देखनी है। यस, विदाउट सिक्योरिटी। ओह, देखो कैसा सो रही है, शायद रात को टीवी ज्यादा देख लिया होगा। बेबी आयशु, आयशु बेबी उठो। बेबी माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। सुबह रहो, सुबह तुम जब ये देखोगे तो बहुत रोगे। चाचा, बाय बाय। बाप रे, मेरी नौकरी तो संचो गई। डॉबरमैन कॉलिंग, मैं ना पिंजरे से उड़ गई। हाउसफुल मैडम जी, ये दबंग आज आपका बॉडीगार्ड नहीं बनने वाला। रेडी हो जाइए, निकलते हैं यहाँ से। नो वे, सल्लो की फिल्म देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। टॉमी, ब्लैक में टिकट ट्राई करो, चाहे जितने पैसे लगे। टॉमी, बालकनी लेना। मैं चाहती हूँ सलमान जैसा टाइगर मेरी लाइफ में भी आ।
है, बड़ी फिल्मी स्टाइल में इसने एंट्री मारी है। कुछ भी बोलो, झक्कास लग रहा है। क्या यार, मुझे तो ये कोई राजकुमार लगता है। ये किसी रियासत का राजकुमार ना हो मगर सबके दिलों पे राज करता है। ये इस हीरो का सबसे बड़ा फैन है मगर खुद भी किसी हीरो से कम नहीं है। मैं खुद इसका फैन हूँ। अच्छा, डर्टी तो है लेकिन क्या मस्त दाढ़ी है। गाड़ी चाहे कमाल की ना हो मगर दाढ़ी है। क्या तेरी टिकट मेरे हाथ में? चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। बहुत पैसा ना तेरे पास? हाँ वो बांटने के लिए थोड़ी है, श्याणा बनता है। बहुत माल है ना तेरे पास, पिक्चर देखना है तो फिर से टिकट लेना होगा। कौन है बेतू? शक्ति। क्या ऊपर है भगवान, पिक्चर में सलमान और तेरे आगे शक्तिमान। ए बावड़िया, तेरा प्रॉब्लम क्या है? अरे यार प्रॉब्लम तो बहुत है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी नहीं है। जिस थिएटर में पिक्चर है उसके टिकट्स नहीं है। अगर ब्लैक में टिकट है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चलो यार अगर ब्लैक में टिकट खरीद भी लिया फिर उसके बाद तेरे जैसे नीच कमीने कुत्ते लुच्चे लफंगे और लोफर के बच्चे के साथ लड़ने के लिए, न्याय को अन्याय से, धर्म को अधर्म से बचाने के लिए भगवान ने एक ही आदमी को चुना है। बोले तो अपोन तालियां। क्या डायलॉग मार रहे हैं? फिर बज गई घंटी। चलो यार जल्दी खत्म करते हैं, पिक्चर देखनी है मुझे। अकेला दबंग, बाकी सब खत्म। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो उन्हें ऊपर पहुंचा देता। तुम्हें तो ऐसा धोया जैसे कि पैसे निकाल। क्या पोकट की तारीफ छोड़ और माल रख, हाथ में पैसा। मैं पहले से ही ऐसा पैसा। लेकिन सर मैंने टिकट के पैसे तो दे दिए। बे टिकट का रेट नहीं है, फाइट का रेट है। 1000 रुपया एक खोपड़ी का, 10 के हुए 10,000। ए, मैंने फाइट करने के लिए बोला था क्या? ये लो क्लास के लोग हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी इस नाजुक कली को उन गुंडों से बचाया। वांटेड देखने के लिए रेडी हो गए? नहीं, आई
hate you. Thank you. Tommy. हाँ चलो चलें. दे दो इसको पैसे. ये लो. यहाँ मिले आगे मत मिलना. सफर तो अभी शुरू हुआ है. ए बच्चों इधर आओ.
पारस फोन लगाओ उसे। महादेव राणा जी यहाँ पर आए हैं, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं। आगे बोलो। हम मीटिंग कब कर सकते हैं? डे आफ्टर टुमारो, परसों। जगह बाद में बताऊंगा। पर तुम तो आज मिलने वाले थे। जैकी कब क्या करता है कोई नहीं जानता, टाइम प्लेस कंडीशन रूल्स सब मैं तय करता। वो कहता है हमसे परसों मिलेगा। डैम इट, धोखे बॉस। ये वो जग्गू नहीं है जो कभी आपका मुलाजिम था, अब ये जैकी बन गया है। अंडरवर्ल्ड के काले धंधों में उसका ही सिक्का चलता है, अब वो बेताज बादशाह है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसी की है। देखिए जरूरत हमारी है, आप फिक्र ना करें। बोलो सावित्री। सुनिए जी, ऐश्वर्या चुपके से बिना बताए ट्रिप पर निकल गई। क्या, वो कब गई? जिस रात आपकी फ्लाइट थी। ओ ऐश्वर्या, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और सुनो किसी को पता ना चले मैं डीआईजी से बात करता हूँ, ओके? होम मिनिस्टर साहब की बेटी अपने दोस्तों के साथ बिना बताए ट्रिप पर गई है सर। ये बात राज ही रहनी चाहिए। यस सर। इसमें उसकी तस्वीर और दूसरी जानकारियां हैं। ओके। खबर मिली है कि वो जयपुर में है। याद रहे ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है। ये एक रईस खानदान का मैटर है सर, और आप चाहते हैं कि ये बात राज रहे तो ऐसा ही होगा। महाशुक्र ग्रहण सिर्फ 40 दिन दूर है, हमें वो ज्वालामुखी पत्थर कैसे भी करके हासिल करना होगा। अभी तक उस महादेव की बेटी किडनैप भी नहीं हो पाई है। फिक्र मत कीजिए, मेरा छोटा बेटा संभाल लेगा। ये है मेहरानगढ़ किला। क्या कुछ भी फेंक रहा है, क्या कभी स्कूल की शक्ल भी देखी? तेरी तरह अंगूठा छाप नहीं हूँ। अगर तुझे इस किले की हिस्ट्री ज्योग्राफी डिटेल में जाननी है तो प्रोफेसर साहब को बुलाना होगा। तो प्रोफेसर साहब टिकट ब्लैक करने वाला। ये टिकट ब्लैक करने वाला ही तुम्हारा गाइड है। ये गाइड है? बोले तो ये अपना पार्ट टाइम धंधा है, थोड़े बहुत छुट्टे कमा लेता हूँ। उन छुट्टों से एक दिन बंगला जरूर बांध लोगे। चलो अभी किले का हिस्ट्री बताओ। पहले इसे पूछो पैसे कितने लेगा। राजा का किला और रानी का बगीचा इस टूर के होंगे 2000। टू मच। देखो मैडम, अनजान शहर में तुम खुली तिजोरी से कम नहीं, समझाया? इसे नहीं, 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 राजा बाबू रुक जाइए। मैडम छक्के की फिराक पर रहेंगी तो बोल्ड हो जाएंगी। इस कमीने का विकेट मैं उड़ाऊंगी। ठीक है, मगर इसे कह दो साफ भाषा में समझाए। अलग भाषा का अलग चार्ज लगेगा। भाई साहब जरा इंग्लिश में समझाइए ना। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। कौन सी इंग्लिश सुनेगा भाई तू? इंग्लिश का भी टाइप होता है क्या? बहुत सी अलग अलग टाइप होती है। अमेरिका की एक्सेंट इंग्लिश, ब्रिटिशर की क्लीन इंग्लिश, यंगस्टर की स्लैंग इंग्लिश, और तेरे जैसों की वीक इंग्लिश। ईस्ट की इंग्लिश हो चाहे वेस्ट की इंग्लिश हो, तेरे जैसे अनपढ़ गवार के लिए अपने पास बम्बई या इंग्लिश है। Choice is yours. गाइड की वैसे शक्ल बुरी नहीं है, ओवरटाइम करता है क्या? देखो ये कोई आंडू पांडू गाइड नहीं है, बहुत ही पहुंची हुई चीज है ये। बाव ताव जल्दी कर लो वरना फॉरेन टूरिस्ट के पास चला जाएगा। हम ऐसे किसे जाने देंगे इसे? राजा ऊपर किले से वॉचिंग, रानी सामने शीला की तरह डांसिंग, तो सिपाही वो डूइंग बुझाइंग एंड स्लीपिंग, और हमको तुम चूना लगाएगा। ये तोप कितना लंबा है? ये तोप 1863 में बनी थी। हाँ। राजा अपने हाथों से उठाकर 1904 में लाएंगे, यहाँ ऐसी 150 तोपें होंगी। वो कौन से किला है? पेमेंट किस किले की दे रहा तू? ये वाली। तो फिर इस किले की पूछ, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा। ओके। क्या ये काम करता है? तेरा काम करता है। क्या? दिमाग, फोटो ले ले। मीठी मीठी बातों से हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चलो पैसे ले लो। टॉमी, क्या हमें पैसे नहीं देने हैं बल्कि 8000 रुपए ये हमें देगा। मैं दूंगा, वो क्यों? सीधा हिसाब है, सिनेमा हॉल में तुमने हमसे 10000 लिए, अब 2000 उसमें से माइनस करो तो 8000 रुपए तुम्हें हमें देने हैं। कीप इट, इट्स योर टिप। तो होशियार चल, आई हेट यू। ओके, कम ऑन गर्ल। सुनो प्रभु, अब ये हीरो तो जीरो हो गया। तुमने अगर होशियारी की तो तुम्हारी भी छुट्टी, हमें टोपी पहना रहा था। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा, मेरी गोरी त्वचा खराब हो जाएगी धूप में। हे गाइस, वहाँ देखो। चलो चलो, बहुत प्यास लग रही है। कम ऑन, ठंडा ठंडा कोल्ड 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 ड्रिंक पिलाओ हमें, जल्दी जल्दी चलो। नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हम लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए हैं। तो
गर्मा गर्म चाय हो जाए। ओई माँ, इतनी गर्मी में चाय। स्टोव नहीं है, ये कहाँ जा रहा है? ये क्या है? ओई माँ, चाय हो तो इस तरह की। वाव। क्या यार, बड़ा ही चिपकू है ना ये। अगर फिर लूटा तो उसे दबा के ऊपर से नीचे तक बलात्कार कर दूंगा। एक चाय देना। हमें इससे होशियार रहना होगा। क्राइम मास्टर गोगो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएगा। बेटा पैसे इस छमिया से ले लो। हे, मैं क्यों दूंगी पैसे? कल 2000 मेरे हजम कर गई और 2 रुपए की चाय नहीं पिला सकती? टेंट का, मेरे रेंट का, मेरे बिस्तर का, मेरे खाने का, पीने का और ऊंट का भी पैसा देना है मुझे। एक बात फेस टू फेस कहूँ, तुम्हारे इमोशनल अत्याचार से मैं हर्ट हो गया। 1000 एक्स्ट्रा। लगता है रिवेंज लेने आया है। रिवेंज वो क्या लेगा, मैं लूंगी। अभी दिखाती हूँ इसे मैं क्या हूँ। दुम दबा के नहीं भगाया तो नाम बदल देना। हेलो हेलो हेलो, तुम लोगों से एक काम है, वहाँ एक बंदा है उसे मारना है, बहुत मारना है। तुम लोगों को पैसे दूंगी, बहुत सारे पैसे। करेंगे। छोड़ो मुझे, उसको मारना है। कोई हेल्प करो। प्लीज प्लीज उसे बचा लो ना। जाकर कुलाड़ी पे पैर मार लिया ना, अब भुगतो अपने किए की सजा। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, अब तो बचा लो। क्या मैं तेरे को येड़ा दिखता हूँ? खाली हाथ आगे करके लालच देता है, 2000 का भी झोल किया तूने, चल हट। अरे वो 2000 भी दे दूंगा, इसको बचाने के भी पैसे दूंगा, अब तो बचाओ। क्या हुआ शक्ति भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, मॉडर्न द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, मैंने बचा लिया। थोड़े लेट हो गए तुम। तुमने उसे बचाया, फिर तो बहुत माल मिला होगा। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बैग खाली हो जाएगा और ये बॉक्स भरता जाएगा। ये बॉक्स नहीं है, एटीएम है। लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं। मैं अपना एटीएम साथ लेकर घूमता हूँ, पैसा अंदर जाता है पर बाहर नहीं आता। सुनो, सेटिंग करो ना। इलू इलू करने। इतनी सारी गोरियां हैं, अब इनकी रक्षा कौन करेगा? अगर हम सबके साथ ये आ जाएगा तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अरे मेरे शेर सिंह, करना सेटिंग। पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो दूंगा ना पैसे। तुम जाओ, तुम पहले मालकिन को मनाओ, तब तक मैं इन्हें मनाता हूँ। हाँ मना। आयशु। मान जाओ ना। ओके। गुस्सा थूक दिया। डन। पर एक शर्त है। हाँ? मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा। ओके। बुला लो उनको। आ जाओ। प्रभु। अब आएगा मजा। चलो अब दोनों मान गए तो हाथ मिलाते हैं। अब चले। क्यों? इस रेगिस्तान में नाइट स्टे, उसे कहो अरेंज करे। भैया वाह, ये कितना लंबा है। 1 घंटा चलना पड़ेगा। कैसे कमर लटका के चल रहा है। इसे देखकर भी नींद बंगा जाती है। ओ भैया। हाँ। अगर रेगिस्तान में हम तंबू कहीं पर भी गाड़ सकते थे तो फिर इतनी हजामत करके हमें चलाकर इतनी दूर क्यों लाया? ए धरती के बोझ, थोड़ा चलेगा तो दुकान छोटी हो जाएगी। अबे बस कर, यू पानी वेस्ट मत कर। हाँ? वरना सुबह 1 बाल्टी पानी के लिए 10 मील चलना पड़ेगा, गर्मी में जलकर कोयला बन जाएगा। मिस्टर शक्ति, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो कंपनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मुझे कल सुबह नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी चाहिए जो एकदम ठंडा हो। आयशु देख रही हो, यहाँ पर 1 ग्लास पानी के वांदे हो रहे हैं और तुम 2 बाल्टी पानी की बात कर रही हो। हाँ यार, पर वो उसकी प्रॉब्लम है, खुद को बड़ा हीरो समझता तो पानी ला के दिखाए। मैडम जी, हमारे हीरो की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है, बस चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा। 1 बाल्टी पानी का 500 रुपया? 5000। उई माँ, क्या कहा, 1 बाल्टी का 5000? आयशु ये तो पैसे लूट रहा है। पानी छोड़ो, हम तो परफ्यूम से ही काम चला लेंगे। बिल्कुल नहीं टॉमी, पैसे दो उसे। कल सुबह तुम्हें ठंडे पानी से ही नहाओ। फिल्म का टिकट हो या पानी का बकेट, ये तो दोनों हाथ से बटोर रहा है। सुनो, लगता है उन गुंडों को दोबारा बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो मैं तो मुस्कुराते हुए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ।
ये क्या? मैंने आज तक किसी को पैसे के लिए इतनी मेहनत करते नहीं देखा। वो देखो, दो बाल्टी पानी के लिए पता नहीं कितना चला होगा। यार इसने पैसे तो लिए लेकिन काम अच्छा किया। टॉमी क्या हुआ, क्या बात है? फिर से इमोशनल अत्याचार। ताला बाजू में होते हुए भी तुमने हमसे 10,000 रुपए लिए? लायर, धोखेबाज, चीटर। तुम्हें लगता है मैंने चीटिंग की? हाँ की। ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, तुमने तालाब नहीं देखा। और मेरी समझदारी है कि मुझे इसके बारे में पता था। अब तुम चाहो तो इसमें स्विमिंग करो या नहाओ, चॉइस इज योर्स। आयशु, इसने हमारा पूरा माल लूट लिया। टॉमी, हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, परेशान हो गई हूँ मैं। चलो सामान पैक करो। बेटा टॉमी। हाँ पापा। क्या तुम हर्ट हो गए? बहुत हर्ट हुआ। तो 1,000 रुपए निकालो। मैं हर्ट हुआ और पैसे भी मैं ही दूँ? हर्ट मैं हूँ या तुम, पैसे तो मुझे ही मिलेंगे। तेरी तो आवाज निकली तो रेट डबल। तभी सोचू बदबू कहाँ से आ रही थी। तीन दिन पहले शादी हुई, बेबी के साथ हनीमून मनाता। उससे पहले आप मुझे जयपुर के इस रेगिस्तान में लेकर आ गए। मुंह का शटर खोलिए, कुछ बोलिए। 30 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, खुफिया बातें बताऊंगा तो नौकरी से जाऊंगा। मुझे भी नहीं बता सकते सर। तू क्या अपनी बीवी को भी नहीं, वो भी बहुत कोशिश करती है लेकिन रिश्वत खाकर भी मैं कुछ नहीं बोलता। पर अगर आप सीक्रेट बता देते तो मन करेगा क्या? ठीक है। देश से बाहर जा रही हो, थोड़ा इस तरफ आओ। कश्मीर। जी जग्गू वर्मा, मुझे रुद्र त्रिशूल चाहिए। जग्गू वर्मा नहीं, जैकी, जैकी द ग्रेट। जैकी, तुम जानते हो कि ये यहाँ क्यों? आई नो, ये रुद्र त्रिशूल लेने आए हैं और क्या। मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो कोई कुछ भी मांगे और मैं यूं ही दे दूं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। व्हाट्स योर ऑफर? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी प्रॉपर्टी, हीरे जवाहरात, जो भी मेरे पूर्वज छोड़ गए हैं वो सब कुछ मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस वो त्रिशूल मुझे दे दो प्लीज। महादेव राय, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन जो निवाला मुझे देना चाहते हो उससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया जैकी, धोखे से खून किया मेरे पिताजी का, फिर भी हाथ जोड़कर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ जैकी, विनती करता हूँ प्लीज। वो त्रिशूल मुझे दे दो, चाहो तो उसके बदले तुम मेरी जान भी ले लो। हमारे धंधे में तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, तुम्हें मारकर मिलेगा क्या मुझे? कोई फायदा नहीं, पहले ही मेरे पाप का घड़ा बहुत भर चुका है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो सोच के बताऊंगा, बहुत सारे ऑफर्स हैं, पैसे का खेल है बिरू। जैकी, वो तो जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ ले आए हमें, भूत बंगला लगता है। श्रीनगर का नंबर 1 गेस्ट हाउस है ये, इसका मालिक चार्ली चैपलिन जैसा दिखता है, पका था बहुत। इधर इधर, आप सबका हमारे गेस्ट हाउस में स्वागत है। वाह,
नेपाली और यहाँ कैसे? कश्मीर से, कन्याकुमारी तक, आसाम से, गुजरात तक, नेपाली हर जगह है। कांचा जी ना, कोई जगह छोड़ी हमारे लिए? दूसरे शहर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गेस्ट हाउस में आपके लिए बहुत जगह है शाम जी। शक्ल तुम्हारी नौकरी जैसी, तुम मालिक कैसे बने? वो मेरी हाइट जितनी लंबी कहानी है। आइए पहले मैं यहाँ गोरखा था। इस होटल के मालिक की एक बेटी थी। आंखों आंखों में प्यार हुआ और दोनों में इकरार। इधर हमारे प्यार का बम फटा और उधर उसका बाप का दुनिया से टिकट कटा। इससे शादी करने के बाद होटल के गोरखा से मालिक बन गया। ए प्रभु, हाँ भैया, इसका आइडिया तो बड़ा कमाल का। ओ शाहजी, ये आइडिया तो इसके बाप से ही मिला है। चुप रहो खशम से। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, प्रॉपर्टी के लिए फंसा है। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, यहाँ तो बटला भी है। साहब जी, आप सबके लिए रूम तैयार है, आइए दिखा दो। साहब जी, कोई डरने की बात नहीं है, आप इधर झाड़ियों के पीछे हिलू हिलू कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है, हम लोग तो करते रहते। चलने की तैयारी करो। सच में सर? हेलो जानू, तेरा मजनू बोल रहा हूँ, मेरे लिए तैयार है। गुड मॉर्निंग सर, इंस्पेक्टर सन्यासी राव। बोलो सन्यासी राव, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो श्रीनगर गए। तुम भी श्रीनगर जाओ। ओके सर। यस सर। हम घर जा रहे हैं कहीं और सर। कश्मीर जा रहे हैं बेटा। इजिप्ट में बैठे बैठे पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पता चला है कि वो लड़की जयपुर से श्रीनगर गई है। तुमने मुझे 1 करोड़ दिए, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। अगर उसकी और जानकारी चाहिए हो या उसके बारे में कुछ और भी जानना हो, 2 करोड़ देना पड़ेगा। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? उस लड़की का बाप स्कूल का कोई मामूली टीचर नहीं है, सेंट्रल होम मिनिस्टर है। माल देने का तभी खबर लेने का। हमारी बेइज्जती करने वाले को जीने का कोई हक नहीं। अभी श्रीनगर जाने की तैयारी करो, फौरन। सो रहा है। हम लोग धीरे से वहाँ जाएंगे और उसके ATM को खोलकर उसमें से सारा पैसा निकाल लेंगे। सिर्फ अपना माल ही नहीं, उसका भी सारा माल लूट लेंगे। धीरे से। ताला भी नहीं लगाया। देखो कैसे नाच रहे हैं। जोर का झटका है, जोरों से लगा। इनका तो धुआं निकल गया। दूसरे के माल पर हाथ डालोगे तो झटका तो खाओगी। ATM मशीन, रूप की रानी चोरी ना करे इसलिए संभालना पड़ता है। अगली बार 880 वोल्ट का झटका दूंगा, तब ATM को हाथ लगाओगे ना तो चिकन तंदूरी बन जाओगे। आज मजा चख लिया ना, अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। हमारी हिम्मत तो धुएं के साथ उड़ गई। चलो चलकर सो जाएं। स्वामी। बोलो स्वामी। ATM मशीन में चोरी करते हुए पकड़े गए, फाइन तुम्हारा बाप भरेगा। पर शौक तो हमें लगाना। शौक तो पनिशमेंट था, कैश पेनल्टी है। बैटरी चार्ज करने के 1000 रूपए एक्स्ट्रा है, मंजूर है? स्वामी पैसे दे दो उसे। पैसे अंदर है। भाई तूने सही कहा था, इसे देखकर नियत बिगड़ती है। हेलो जानू, कश्मीर बहुत रोमांटिक जगह है, पर मेरी फूटी किस्मत तुम मेरे साथ नहीं। इस लड़की को देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? उस तरफ देखो। जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें यहीं पर लेके आऊंगा, हम लोग इलू इलू करेंगे। मैं फोन करता हूँ। आप लोग टूरिस्ट हैं? हाँ। साइट सींग कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ। एक हजूर, साइट सींग नहीं करेंगे तो क्या सुसाइड करेंगे? उनकी बातें छोड़ो, उनका स्क्रू ढीला है। तो तू टाइट कर दे, आप लोग घूमने। हाँ, मजाक में निकल आए। आप लकी हैं सर, मेरी तो नई शादी हुई। तो शहनाई बच चुकी है। काहे का, मेरे साहब मुझे बेडरूम से उठा कर लाए। All the best. इससे ताकत मिलेगी, अच्छे से शराब बजाना। अब बेबी चलो। हेलो जानू, इस लड़की की शक्ल देखकर इसकी कुंडली पढ़ सकता हूँ। जहाँ इसके माँ बाप कहेंगे ना वहाँ शादी नहीं करेगी। वैसे भी इससे शादी करना कौन चाहेगा? इसकी शक्ल देखिए, बंदर छाप, धरती पे बोझ। प्रभु मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये जाते वक्त टिप नहीं देगी। ये सब मस्ती मत करो ना। और इसको भाई साहब कहूँ या बहन जी? टॉमी, ये तो लड़कियों के खेलने की गुड़िया है। तो
तुम गुड़िया किसे बोल रहे हो? हाँ? तुझे मेरी चम्मक चलो। आशु, इतने ठंडे मौसम में तुम इतनी गर्म? इस टेढ़ी चीज को तो सीधा करना ही होगा। कोई प्लान है? वक्त आने दो, फिर बताता हूँ। कितनी ठंड है। ओ हीरो, वहाँ नहीं चलोगे? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ से देखो या यहाँ से क्या फर्क पड़ता है। ओए माँ, मैं तो गिर गया। ये बहुत ही खतरनाक जगह है, अब संभल कर चलिए। अब ठीक है, अब इसके आगे जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए तो ये बोर्ड लगा है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया है, मुझे इंग्लिश आती है, पढ़ सकता हूँ। अरे कोई रोको इसे, बोर्ड क्यों काट रही है? क्या कर रही है टॉमी? बोलो नी। शक्ति को फंसाने का प्लान है मेरे पास। तो प्लान रेडी? मैं छुपूंगी वहाँ। हाँ। तुम उसे जाके कह दो कि मैं कहीं गुम गई। हाँ। फिर वो मुझे ढूंढने आएगा। फिर हाँ। वो ये स्टार देखेगा। ओके। वो स्पॉट तक आएगा। हाँ। और फंस जाएगा। गुड प्लान। वो हमें गब्बर की तरह लूट रहा है, हम उसे ठाकुर की तरह फंसाएंगे और सारे पैसे वापस ले लेंगे। हम उसे बचाएंगे। हाँ। और डील में सारे पैसे वापस। मत करो। ओके ओके, गो, लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। वो आएगा, मुझे ढूंढना शुरू करेगा, फिर स्लिप हो जाएगा, सर 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 रोल करेगा और फिर बर्फ में फंस। शक्ति शक्ति, आयशी लापता हो गई। फोटो दो, अखबार में छपाओ। वो बर्फ में गिरी और कहीं खो गई। हमें कहीं दिखाई नहीं देती। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। जाकर ढूंढ ला उसे प्लीज। देखो उस तरफ वहाँ। देखो प्लीज जल्दी। गिरी तो थी कहीं मजाक मजाक में, वो सचमुच गायब तो नहीं हो गई? ऐश्वर्या, तुम ठीक तो हो डार्लिंग? जल्दी उठ जाओ। क्या हो गया? आयशु, तुम ठीक तो हो? उस हादसे के बाद बड़ी गुमसुम रहती है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। ये भला इंसान तुम्हें पहले बुरा लगता था, अब तुम पर उसके प्यार का रंग चढ़ा है। माता के आठ मंदिरों में से एक है। यहाँ कितनी खुशी मिलती है ना? ऐसा करना आपका कोई रिवाज है क्या? देवी माँ बहुत शक्तिशाली, वो मन की मुराद पूरी करती है। मैं इसको लेटर लिखता था, वो इसको सहलाती और साइड में रख देती। इसको मेरी भाषा कहाँ समझ में आती? फिर क्या, इधर आके मुराद मांगी और ये मुझे मिल गई। मैंने भी गलती से नहीं मांगा था। किसके लिए बांधा? तुमने ये किसके लिए बांधा है? जो लड़की मंदिर नहीं जाती थी वो मन्नत मांग ली है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। बताओ, बोलो बोलो बताओ। आयशु, आयशु कहाँ जा रही है? रुकना। लड़की मिल गई।
शक्ति, कुछ लोग आयशु को उठा कर लेकर गए हैं। क्या कहा? मजाक नहीं कर रहे। शक्ति, उसकी जान को खतरा है। जल्दी जाओ शक्ति, जल्दी जाओ। बहना, लड़की हमारे हाथ से निकल गई। मुझे खबर मिल चुकी है, क्या उस लड़की का रक्षक है ये शक्ति? वो क्या है ना शाह जी, हमारी पुरानी परंपरा है, गेस्ट के साथ हम लोग फोटो खिंचवा कर रिसेप्शन पे लगाते हैं। तो आप लोगों के साथ एक फोटो खींच लूं शाह जी? क्या खींच लूं? फोटो शाह जी, आप भी क्या मजाक करते हैं। चलो हम लोग उस होटल में चलते हैं। हाँ, आप फोटो लेकर उस होटल में जाकर पूछताछ करेंगे। आप मुझे वो फोटो एक बार क्यों नहीं दिखाते सर? बोल लिया, अब शटर लगा। हम बोलेगा तो बोलोगे कि क्या बोलता है? ए, लड़की चाहिए। क्या नहीं, झाड़ियों की इस लड़की को देखा है? ओ, एश्वर्या मैम साहब, उनको ये चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओ, ये तो दो दिन पहले इधर ही ठहरे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अब कहाँ गए? लेफ्ट लेके लेफ्ट। अबे वो तो राइट है। राइट लेके लेफ्ट लो। अबे लेफ्ट राइट बोल क्या रहा है तू? वो ए टू जेड ट्रैवल की शॉपिंग बस में गए हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से सीधे ऊपर जाओ। ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, वहाँ से ऊपर से सीधा नीचे खाई की तरफ। हेलो शाह जी, हेलो, एड्रेस का पैसा आ जाते हैं सुबह सुबह कहाँ से? हाँ सुन, हम लोग जा रहे हैं। जाने तैयार है ना, मैं आ रहा हूँ। घर नहीं जा रहे हैं कदे, उनका पीछा कर रहे हैं। चल सर, चलो आप बाद में फोन करता हूँ सर, अभी सौ की दौड़ लगाने के मूड में सर। आयशु अब बताओ कहाँ चलना है? चिड़िया घर, तुम्हारे लिए वही जगह सही है। मेरा मतलब देखने लायक जगह है। उंगली नहीं, इस बार दिल से।
हरिद्वार। हरिद्वार महादेव जी, जैकी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि वो इजिप्ट वाले लोग भी उस रुद्रा त्रिशूल के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे हरिद्वार जाकर स्वामी जी से मिलना है। ज्वालामुखी पत्थर को गंगा जल से पवित्र करना है। ऐश्वर्या को भी कहाँ ढूंढूं? जैकी से मैं बात करता हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए इंडिया वापस जाए। हाँ, वो तो खूबसूरत है ना, और मैं भी खूबसूरत हूँ। जा, तू भी बुरी नहीं लगी। कमरा लड़की कोई नहीं है, दूसरा गेस्ट हाउस देख लीजिए। आप क्या चाहिए? इस लड़की को देखा है कहीं? मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो टैटू बनाते हैं। ये एक नौकर था मेरे यहाँ, उसके हाथ में भी ऐसे ही टैटू था। सूर साला, भागो, निकलो, जाओ यहाँ से, भागो, जा। ये क्या गिरा दिया? कांचा जीना का फोन है, ये शायद हमें मिस कर रहा होगा। हेलो साथी, किधर तक पहुंचे आप? हरिद्वार। हेलो, नेटवर्क वाला कुत्ता गायब हो गया। कहाँ चला गया सावित्री? क्या हुआ? ज्वालामुखी कहाँ है? हो सकता है ऐश्वर्या उसे अपने ट्रिप पे साथ ले गई हो। ज्वालामुखी को गंगा में पवित्र करना था, अब क्या करें? इस लड़की को देखा है? हमें पूजा के लिए पंडित ढूंढता हूँ। ढूंढेगी क्यों, मैं आ गया। संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प अभीष्ट सिद्धिरस्तु, तथास्तु। आप लोग कहाँ से आए हैं? मत पूछिए पंडित जी, इनका ना आने का ठिकाना है और ना जाने का ठिकाना। पूरा का पूरा ग्रुप पागल है, और इस टॉमी की तारीफ क्या करूं, चलती फिरती सर्कस है। पूछा क्या इन्होंने? उन्हें तो बस इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं। हाँ, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे ना। हाँ हूँ ना, अब क्या बताऊँ, मेरा नाम पूरे हरिद्वार में प्रसिद्ध है। अब आवश्यक वार्तालाप करें, मुझे गुरु दक्षिणा दो और जीवन में प्रगति पाओ, वो भी पूजा से पहले देना होगा। अच्छा हाँ? तो तुम्हें भी पैसे चाहिए? आने दो। कम था जो तुम भी आ गए। हाँ, आने दो। हाँ। कपड़े बदल लो, फिर शुरू। हाँ, हाँ, चलो। कम ऑन गर्ल्स, किसे देना? थोड़ा देखिए। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसका किसी भी हाल में मिलना बहुत जरूरी है, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। पंडित जी, यहाँ पर माता जी का एक मंदिर है ना? है ना। कहाँ? वो सामने मनसा देवी मंदिर है।
माता के 8 खंड हैं जो बहुत ही पावन पवित्र होते हैं, वहीं यहाँ आके 8 खंड नहीं है पंडित जी, 18 खंड है, ठीक से याद कीजिए। पुराण शास्त्र वेद पाठ मेरे गले में बसते हैं, तुम मुझ जैसे ज्ञानी को चुनौती मत दो। आप नाराज क्यों होते हैं? 18 सिद्धपीठ है माता के, सिद्धपीठ की शक्ति के साथ वो 108 है पंडित जी। 7 पुष्टों से हम यही करते आए हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे मत सिखाओ, तुम सिद्धि पीठ के बारे में जानते ही क्या हो, मुझे बताओ कहाँ है वो? क्या आपको पता है? लंका में माँ शंकरी देवी, कांची में वो विजयलक्ष्मी, कांची बाकी से लंका में शंकरी देवी, कांच में कामाशी देवी, प्रद्युम्न में श्रृंखला देवी, मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी, आलमपुर में जुगलम्बा देवी, श्री सैलम में ब्रह्मरम्बा देवी, कोलापुर में महालक्ष्मी देवी, नांदेड़ में एकवीरा देवी, उज्जैन में महाकाली देवी, पितुपुरम में पुरुहूतिका देवी, कटक में गिरिजा देवी, द्रक्षरामा में मणि के अंबा देवी, गुवाहाटी में पूर्वकाम रूपा देवी, प्रयाग में महाकेश्वरी देवी, ज्वाला में वैष्णवी देवी, गया में सर्वमंगला देवी, वाराणसी में विशाल लक्ष्मी देवी, कश्मीर में सरस्वती देवी। माता के 18 मंदिर आपने बिल्कुल सही सिखाया मुझे। आप बड़े हैं पंडित जी, मैं आपको सिखाने वाला कौन हूँ? अपनी कमियां मत छुपाइए, वही कहिए जो पता हो। मेरा अनुभव कहता है कि इसमें अवश्य कोई तेजस्वी शक्ति है।
एक बहुत बुरी खबर है, आज मेरी झोली खाली है। हाँ स्वामी जी, मेरे घर के तिजोरी से ज्वालामुखी पत्थर कहीं गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ खो गया। हो सकता है ऐश्वर्या अपने साथ ले गई हो, मुझे बिना बताए ऐश्वर्या कहीं चली गई। गंगा जल में उसका अभिषेक मैं नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं स्वामी जी? दुखी मत होइए महादेव राय जी, हमारा पवित्र संकल्प अवश्य पूरा होगा, यही ईश्वर की इच्छा है। इसलिए आज ही के दिन सही समय पर ज्वालामुखी पत्थर का गंगा अभिषेक हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्वालामुखी स्वच्छ हो चुका है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या का रक्षक भी बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसे जगन्न माता का आशीर्वाद प्राप्त है। स्वामी जी, जैकी ने मुझे वो रुद्र त्रिशूल नहीं दिया, मैं उसे अपनी सारी दौलत देने को तैयार था। पुलिस, पुलिस वाले यार। सर, बोलो। आई एम इंस्पेक्टर सन्यासी राव, आपकी बेटी यही हरिद्वार में है। सच कह रहे हो? यस सर। कहाँ? वो हमें देखकर भाग गई। स्वामी जी, ऐश्वर्या हरिद्वार में ही है। इसका मतलब जैसा आपने कहा, ज्वालामुखी का अभिषेक हो चुका है, वो जरूर ऐश्वर्या के पास होगा, पर ऐश्वर्या कहाँ है? आई लव यू आयशु, व्हाट इज दिस? आज तो उससे बोल ही दूंगी। आयशु, क्या उस पर दिल अटक गया? देखा, प्यार हो ही गया। मेरे सपनों का राजा कब आएगा? I love you, huh? I don't love you. पर क्यों? अपना हीरो क्या किसी सुपरस्टार से कम है? उस पे तो लड़के भी मरते हैं। क्या हुआ वहाँ पर? एक्सीडेंट हो गया। चलो चाय पीते हैं। भाई, यही था वो लौंडा साला जो मुझसे टकराया।
एनएसए के सीक्रेट एजेंट हैं, शक्ति स्वरूप। कि दुबई से रुद्र त्रिशूल लेकर इजिप्ट आ रहा है। इजिप्ट से उसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। कैसे हो तुम जग्गू वर्मा? ना 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 ना, जग्गू वर्मा नहीं, जैकी, द ग्रेट जैकी। हमारी दी गई भीख से और हमारे रहमो करम से यहाँ तक पहुंच पाए हो। बड़ी कमजोर है तुम्हारी याददाश्त। बहुत साल पहले एक रहस्य की जानकारी मैंने तुम्हें दी थी, तुमने उस रहस्य की कीमत चुकाई थी। भीख नहीं थी वो, बिजनेस था। जैकी, वो रुद्र त्रिशूल कहाँ है? पख्तूनी, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूं। अगर मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं ये त्रिशूल तुम्हें दे दूंगा, और अगर इनकार किया तो खरीदार और भी है। मैं खुद एक जहरीला सांप हूं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उन्हें भी डसा मैंने। मुझे डराने की कोशिश मत करो। त्रिशूल कहाँ है? दुबई में है। तुम कहो और लेकर आऊं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। मेरा नाम जोकर नहीं है, जैकी है। तुम मेरे इलाके में आओगे, पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तब त्रिशूल तुम्हारे हवाले करूंगा। वक्तोनी, मां शुक्र ग्रहण ज्यादा दूर नहीं है, महंगाई की तरह मेरे दाम भी बढ़ते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। बाय। बहना, हमें उसकी बात माननी होगी, और कोई चारा नहीं है। सॉरी मम्मी, ऐश्वर्या, सॉरी पापा। इट्स ऑलराइट। बेटी ऐश्वर्या, ज्वालामुखी कहाँ है? डायमंड बॉक्स, वेयर इज इट? ज्वालामुखी? वो लॉकर में पैसों के साथ था।
शायद तुमने गलती से उठा लिया हो। ठीक से याद करो बेटा। ऐश्वर्या याद करो, गोल बॉक्स था, उस बॉक्स पे स्वास्तिक का निशान था। बॉक्स? कम ऑन टेल मी, कहाँ है वो बॉक्स? नहीं मालूम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ सर, बेटी ऐश्वर्या अभी अभी खतरे से सही सलामत लौटी है और आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। मिस्टर शिवाजी सर, उस पत्थर का मिलना जरूरी है, अंडरस्टैंड? जो भी इसके साथ था उसे पूछताछ करो। मिस्टर प्रताप सर, वेयर इज शक्ति स्वरूप? पहुँचने ही वाले सर। ठीक है, वो आए तो कहना मुझे आकर ऑफिस में मिले। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर शक्ति, बिना मुझसे पूछे तुम इस ऑपरेशन में कैसे गए थे? Who gave the orders to you? इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले हम सब एक कसम खाते हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर देश और देशवासियों पर हम आज नहीं आने देंगे। उसी कसम ने मुझे परमिशन दी सर। हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ टेररिस्ट होटल में छुपे हुए हैं। उनका एनकाउंटर करने के बाद हमें पता चला कि उनका टारगेट होम मिनिस्टर साहब की बेटी है, इसीलिए मैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स चेक करने उनके घर गया था। मैंने ऐश्वर्या को वहां से भागते देखा। मुझे पूरा यकीन था कि वो टेररिस्ट ऐश्वर्या का पीछा जरूर करेंगे। मैंने उन्हें पकड़ने की ठान ली, इसीलिए गाइड बनकर ऐश्वर्या से मिला। मेरे प्लान का नतीजा, उनके ग्रुप का सरगना वसीम हमारी हिरासत में। रवि, क्या इसने अपना मुंह खोला? एसीपी बैनर्जी के मर्डर के पीछे इसी का हाथ है, पर ये मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। सर, विद योर परमिशन, एक घंटा अंदर जा सकता हूं। I will make him talk. शक्ति, ये काम ऑफिसर रवि का है, तुम उसमें ध्यान मत दो। Choice is yours. बहना, मुझे पता लगा है कि वसीम दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया है। उसे सख्त से सख्त पहरे में रखा गया है। ग्रहण पास आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। इन सभी सवालों का जवाब है मेरा बड़ा बेटा राखा। जाओ बेटा, हिंदुस्तान पर फतेह हासिल करो। कितना भागेंगे, भाग लीजिए, जितना भागना है। तोंद अंदर नहीं जाने वाली, लीजिए दूध पी लीजिए। शे, वो कल का लौंडा, तुम देखना, इस साले को मैं सस्पेंड करूंगा, डिसमिस करूंगा, डिपार्टमेंट से बाहर करूंगा। मुझसे जुबान लड़ाता है, डिपार्टमेंट चीफ को धोबी का कुत्ता समझता है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं जी? डोकोनो को फिरूज, एनएसए स्पेशल ऑफिसर, द ग्रेट शक्ति स्वरूप। थैंक्स डैड, आखिर आप भी मान गए कि मैं ग्रेट हूं। देखा, जो दूध तुम मेरे लिए लाई थी वो खुद पी रहा है। इसकी आपको क्या जरूरत है, पहले ही आपकी टमी बाहर निकली है, मम्मी परेशान है। हाँ, बहुत खराब। चुप रहो, बाप हूँ पर उसका बड़ा भाई लगता हूँ। अंडरकवर करके एक दिन मेरी अंडरवर निकाल देगा ये। अंडरकवर किसी खुली किताब की तरह थोड़ी है, हमारी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, आपसे तो बात कर रहा हूँ। अरे रुको रुको रुको, अंडरकवर बनकर खुद तो कवर्स में चौके छक्के मार रहा है, पर बेचारी ऐश्वर्या को क्लीन बोल्ड कर दिया है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मिस्टर शिवाजी, चुपचाप मैच देखिए वरना आपकी विकेट। शांत रहो बेटा, शांत शांत शांत। क्या तुम सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे लग गए? कोई अपने बेटे के बर्थडे पे गुस्सा करता है भला? मम्मी करने दो गुस्सा, मैं जानता हूँ इनके गुस्से में प्यार है और डांट में आशीर्वाद। डायलॉग बोलना बंद कर और तैयार हो जा, मंदिर जाना है। ये तो बहुत सुंदर है। मैडम, होम मिनिस्टर जी की बेटी आई है, शक्ति ने जिसकी जान आ, आ, आ। नमस्ते आंटी, मुझे तो लगता है ये महालक्ष्मी का रूप है, इसका ध्यान रखने में कोई कमी ना हो। इनका ध्यान मैं क्या रखूं? शक्ति सर है ना, वो इनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और ये भी तो शक्ति सर को बहुत पसंद करती हैं। बस अब इन दोनों की शादी करवा दीजिए। शादी? तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? ऐसी कोई बात नहीं आंटी। कोई बात ही नहीं है, तो चलो बात खत्म कर देते। तुम चुप करो आंटी। शक्ति के पास मैं अपना कुछ सामान भूल गई हूँ, मैं ले आऊँ? हाँ ले आओ ले आओ, वो बेडरूम में है, प्यार की जप्पी भी दे आओ। मैडम का थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। ओके। थोड़ा टेंशन में आ गई थी। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तो मेरी चीजें हैं। मेरी तस्वीरें तुम्हारी कब से हो गई? पूरी ट्रिप पर तुम मेरी तस्वीरें खींचते रहे।
अरे आई लव यू का जवाब आई डोंट लव यू क्यों था मिस्टर शक्ति? वो मैसेज इस ऑफिसर ने नहीं भेजा था। तो फिर अपना सपना गाइड ने भेजा था। तो ऑफिसर शक्ति क्या कहता? जुबान ना सही दिल तो पढ़ी सकती हो। तैयार हो गए शक्ति बेटा? हाय। तुम कोई खोई हुई चीज ढूंढने आई थी, तुम्हें वो मिली कि नहीं मिली? इतना पसारा है, मिलेगी कैसे? मिल गई आंटी, इन्होंने ढूंढने में मदद कर दी। तुम भी माता के मंदिर चलोगी? आज इस पागल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ऑफिसर शक्ति। थैंक्स। पता नहीं था, वरना मैं जरूर गिफ्ट लाती। गिफ्ट तो इसे मिल चुका है, इस बुद्धू से प्यार जो किया तुमने। अब चलो। हेलो। सलाम वालेकुम जैकी। वालेकुम सलाम। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहना तैयार है। रेट क्या होगा, डेट क्या होगी, ये सब मैं तय करूंगा। रूल्स आर मेड बाय मी जैकी। सर, हमारे लॉकर्स के नए सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अवतार यहां आ चुके हैं। अवतार। मिस्टर जैकी, यू आर सो लकी। वो क्यों? क्योंकि मैं आपका मुलाजिम हूँ। मैंने आज तक कोहिनूर हीरे पर एक लेडी मक्खी तक बैठने नहीं दी। ये इतिहास बदला। कहीं से मक्खी आई, हीरा गंदा किया, मैंने उसे मारा पर बच गई। मेरा ईगो हट गया, ऑन द स्पॉट रिजाइन कर दिया। अगर यहाँ गलती हुई तो नौकरी से नहीं निकालते। अरे यू आर सो स्वीट। शूट कर देते हैं। अरेंजमेंट्स देख लीजिए। कैन यू कम प्लीज? खुल जाए। ये क्या कैसा बंदोबस्त है? मैं हूं अवतार। कम ऑन बॉय। ये है साइंटिफिक सिक्योरिटी। मैं हूं अवतार। मैंने उसके आसपास दिखाई ना देने वाले हाई वोल्टेज लेजर बीम्स लगाए हैं। जो भी छुएगा वो है। वेरी गुड मिस्टर अवतार, वेरी गुड। व्हाटएवर यू वांट आई विल गिव यू। हां सच? मुझे चाहिए। वो नहीं, वो मेरी है। हेलो। हेलो जैकी। हाँ पारस, आई एम सॉरी। इजिप्ट की फक्तूनी को मेरी डिमांड्स मंजूर हैं। डील फाइनल हो चुकी है। गुड बाय जैकी। प्लीज समझने की कोशिश करो। सॉरी। डैम इट। हेलो महादेव जी, जैकी ने रुद्रा त्रिशूल देने से मना कर दिया। What? मेरी हर कोशिश बेकार रही। उस कमीने ने शायद इजिप्ट वालों से डील फाइनल कर दी है। अब हम क्या करें? क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी, ज्वालामुखी पत्थर ऐश्वर्या के पास नहीं है। जग्गो वर्मा रुद्रा त्रिशूल देने से इनकार कर रहा है और वो उस त्रिशूल को फक्तूनी को बेचना चाहता है। अब हम क्या करें स्वामी जी? देवी माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग यही रुको। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये अर्पण कर दीजिए। ओम अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। जो तुम्हारे डैड ढूंढ रहे थे। मुझे ये बॉक्स हरिद्वार में मिला।
शक्ति को वो ज्वालामुखी पत्थर मिल गया है। ओम दुष्ट दल संतता ये नमः। स्वामी जी, ज्वालामुखी मिल गया है। मिस्टर शिवाजी, ज्वालामुखी और अश्वेरा को लेकर जल्दी से हम्पी पहुंची। मैं बस अभी निकलता हूँ। शक्ति कमेन, होम मिनिस्टर साहब का ज्वालामुखी पत्थर मिल गया है। चीफ उसे लेकर इसी वक्त हम्पी जा रहे हैं। ऑफिसर हम्पी जा रहा है, चलो उसे पकड़िए। जानते हैं चीफ, हम भी जा रहे हैं, बचा लो उन्हें, वो उन्हें मार डालेंगे। जाओ तुम, जाओ और बचाओ उन्हें। ये पत्थर लेकर आप हम्पी के लिए रवाना हो जाइए, जल्दी चलो निकलते हैं।
चुका है, चलो। रक्षक आ गया है। मैं जानता हूं मां जगन्न माता इसे यहां ले आई। हम जानते हैं तुम्हें आश्चर्य होगा ये सारी बातें सुनकर। तुम नहीं जानते हम कौन हैं, पर सच कहूं तो हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार। तुम्हारे लिए 27 साल पहले का इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। महादेव राय जी के पूर्वज राजाओं के वंश के थे। इनके पिताजी विजय राय जी पर देवी माँ का आशीर्वाद था। वो बहुत ही सरल, दयावान और भले इंसान थे। दीवान जी, गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। आयुष्मान भाव, आपने मुझे विजयादशमी के दिन बुलाया, कोई खास वजह पिताजी? महादेव राय, आज हम तुम्हें एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं, इसे संभाल कर रखो। हमारे पवित्र भारत देश में कुल 18 शक्तिपीठ हैं और सब जानते हैं कि वो भारत के प्रसिद्ध पुण्य स्थल है। पर माँ के इन सभी 18 प्रसिद्ध पुण्य स्थलों को एक शक्तिपीठ नियंत्रित करती है। उसी महाशक्तिपीठ का रहस्य आज हम तुम्हें बताएंगे। आज हमारा भारत देश अगर महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है तो सिर्फ इन्हीं मंदिरों की वजह से। हमारे देश का विनाश निश्चित है यदि उस मंदिर को क्षति पहुंची। किसी और देश का बादशाह हमारे इस रहस्य के बारे में जान गया है, इसीलिए वो हमारे महान भारत देश पर आक्रमण कर रहा है। इस रहस्यमय मंदिर को खोजने के लिए उसने कई मंदिर उजाड़ दिए हैं, पर माँ के आशीर्वाद, वंशजों की पूजा अर्चना और रक्षक के कारण वो सफल नहीं हो पाया। महादेव राय जी, 27 साल में एक बार महाशुक्र ग्रहण आता है। इस ग्रहण के पूरा होने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करके माँ की पूजा पाठ की जा सकती है। इस ज्वालामुखी पत्थर के बिना कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये इसलिए चमका क्योंकि आप पर देवी माँ का आशीर्वाद है। आपके पिता के बाद आपकी संतान को यह आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशुक्र ग्रहण पास आ रहा है, हमें ग्रहण से पहले ही मंदिर पहुंचना होगा। आयुष्मान भाव, जहां भारत में इस रहस्यमय मंदिर की रक्षा अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से राय साहब का वंश कर रहा था, वहीं भारत का विनाश करने, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने इजिप्ट का वो दुष्ट मुख्तार भारत आ पहुंचा। लालची दीवान जग्गू वर्मा ने हमारे देश की गुप्त जानकारियां मिस्रवासी को बेच दी। मिल गया, हमको मिल गया। जिस राज से आज तक दुनिया अनजान थी, मुझे वो मिल गया। अब इसकी मदद से उस भारत देश पर मेरी हुकूमत होगी। उस रुद्र त्रिशूल को ढूंढने के बाद उस महाशक्तिमान मंदिर को तबाह कर दूंगा। मुख्तार, भारत पर हुकूमत इतनी आसान नहीं है। भाईजान, आप मेरे शौहर की ताकत को कम मत समझो, ये किसी से कम नहीं। ऐसी बात नहीं है बहना, पर उस रहस्यमय मंदिर की रक्षा महादेवी शक्तियाँ कर रही हैं। कौन रक्षा करता है, उनका भगवान? नहीं, भगवान की रक्षा करने वाला रक्षक। इनका वंश इस मंदिर की सदियों से रक्षा करता आ रहा है। उस रक्षक का नाम है रुद्रा।
बकवास बंद करो। मैं ना सिर्फ महाशक्तिमान पीठ का सर्वनाश करूंगा पर तुम्हारे उस रक्षक का सर धर से अलग करके फक्तूनी के कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा वादा है। मेरी जान, अब हम दोनों की मुलाकात होगी मेरी फतह के बाद। भाभी जी, ग्रहण पूरा हो चुका है, बाहर आ जाइए। स्वामी जी, बेटा होगा या बेटी? जगन्न माता के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र होगा। भय भी उससे भयभीत हो जाए, किसी से ना डरने वाला शूरवीर हो, मंदिर की रक्षा करने के लिए वो प्राण त्यागने से भी कभी पीछे ना हटे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दुनिया का कोई हथियार मंत्र तंत्र इस मुख्य द्वार को नहीं खोल सकता सिवाय इस रुद्र त्रिशूल के। इस रुद्र त्रिशूल के बिना मंदिर में प्रवेश असंभव है। जटा से बहने वाली पवित्र गंगा के जल में
मंदिर के रक्षक को स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। गंगा के इस पवित्र जल से स्नान करने से अग्नि उसे छू नहीं सकती। ये त्रिशूल त्रिमूर्ति की शक्ति का प्रतिरूप है। सकल लोक के समस्त क्रियाकलाप महाशक्ति के कारण ही होते हैं। ऐसे कितने ही दुष्ट पाखंडियों ने त्रिशूल ले जाने की कोशिश की, पर उन सबका सर्वनाश हो गया। महादेव राय हमारे देश के 18 शक्तिपीठों के प्रतीक हैं। यहाँ के ये 18 स्तंभ दक्ष पुत्री सर्वेश्वर शिव की पत्नी सती के शरीर के 18 टुकड़े जिन जिन प्रदेशों में गिरे, वहां देवी माँ के 18 शक्तिपीठ स्थापित हो गए और पवित्र पुण्य तीर्थ बन गए। गौर से इन स्तंभों को देखो, ये 18 अलग अलग स्तंभ हैं। स्तंभ की मूर्तियाँ देवी माँ के भिन्न रूप दर्शाते हैं। जब रक्षक त्रिशूल से इन स्तंभों को छूता है, तब ग्रहण काल में पूजा आरंभ की जाती है और महाशक्तिशाली देवी माँ की मूर्ति प्रकाशमयी हो जाती है। 18 शक्ति पीठों की महिमा बढ़ जाती है। पीठों की शक्ति और उनका चैतन्य बढ़ जाता है। जैसे ही त्रिशूल को देवी माँ के हाथ में रखा जाता है, इसकी महादैवीय शक्ति और बढ़ जाती है। सूर्यास्त होते ही मुख्य द्वार बंद हो जाता है। अगली पूजा महाशुक्र ग्रहण के समय होगी, 27 साल बाद। अंजाम देगा रुद्रा। रुद्रा कहाँ है तू? बाहरा, खुद को योद्धा समझता है, इस मंदिर का रक्षक बना बैठा है। बाहरा, वरना तेरी बीवी और तेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप लोग पूजा संपन्न कीजिए। हिम्मत है तो बचा इसे, देखता हूँ कितनी ताकत है तुझमें। आहा!
वो मेरी मौत नहीं है, मौत मतलब मैं, मेरे आदमी। ये बुजदिल हमारा क्या कर लेगा? भय के मारे भाग जाएगा। भय से भाग जाऊंगा और मैं भय से जो हारे वो कायर होता है। तुझसे लड़ने के लिए मुझे सेना की जरूरत नहीं, मैं अकेला तेरे लिए काफी हूं। जान ले, मेरा खून मेरा हथियार और लोगों का प्यार मेरा कवच है। जगत माता का आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं तुम्हारे इस मंदिर को तबाह कर दूंगा, सब कुछ नेस्त नाबूद कर दूंगा, फिर वो त्रिशूल अपने साथ ले जाऊंगा और अपने पूर्वजों के ममीज को फिर से जिंदा करूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। तुम्हारा सिर अपनी बेगम को तोहफे में दूंगा। तू मेरी इस जगत माता के मंदिर में आकर मुझे ललकार रहा। माता की सौगंध, तेरे खून से माता के चरणों का अभिषेक करूंगा। देवी माँ के पवित्र 18 शक्ति पीठों का स्मरण करता हूं। आज तेरी बलि चढ़ा। Ah!
तुम रोने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम में जो खून बह रहा है वो उस रक्षक का है जिसने मंदिर की रक्षा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया। जगत माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बाबूलाल शिवैया ले जाओ। इस तरह छल कपट और धोखे से महावीर रक्षक का वीरता के साथ अंत हुआ। रक्षक के पुत्र होने के नाते तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करने और इस मंदिर को बचाने के लिए देवी मां ने यहां भेजा है। ये सच है शक्ति, हमने तुम्हें प्यार और ममता से पाला पोसा जरूर है बेटा, पर हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया। हाँ बेटा शक्ति, 27 साल पहले इसी दिन की बात है, हमें कोई संतान नहीं थी इसलिए हम पूजा कर रहे थे, तभी तुम हमें मिले। दुर्गा माँ के मंदिर में हम बच्चे के लिए दुआ मांग रहे थे और तुम हमें वरदान के रूप में मिल गए। तुम्हारे चाचा तुमसे बिछड़ने के बाद अपना होश खो बैठे। अब समझ में आया, इसी कारण तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हें महाकार्य पूर्ण करने हैं, इसीलिए देवी माँ ने इन्हें तुम्हारा पालनहार बनाया। बाजुओं में बल, चुनौती का ना कोई डर, इसीलिए तुम्हें देश रक्षा के लिए चुना गया है। अब मुझे क्या करना है? महाशुक्र ग्रहण पास आ रहा है, इजिप्ट के वासी मंदिर को तबाह करने की सोच रहे हैं। हमें ज्वालामुखी पत्थर तुम्हारी वजह से मिला, रुद्र त्रिशूल भी तुम्हें ही लाना होगा। वो त्रिशूल कहाँ है? धोखे से तुम्हारे पिता का कत्ल करने के बाद वो जैकी दुबई में जाकर बस गया, उसी के पास त्रिशूल है, पर उसने त्रिशूल को टाइट सिक्योरिटी के बीच रखा है, उसे तुम्हें ही लाना होगा। बेटा उठो राखा। अब कोई भी ज्वालामुखी इस शरीर को कभी जला नहीं पाएगा। जैकी ने वो त्रिशूल कहाँ छिपाया? वो जगह बदलते रहता है, मुझे पता है, वो हमेशा हाई सिक्योरिटी के बीच में रहता है, उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, पर मेरे पास एक रास्ता है। सिक्योरिटी इंचार्ज अवतार, बात बन जाएगी अगर उसे पटा दिया तो। अवतार, ए गंजे, अवतार को बुलाना। बॉयज कैच हिम। अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? मैं अवतार जी का असिस्टेंट बनने आया हूँ, चोरू चक्का लगता हूँ मैं। उड़ी बाबा, तुम किस खेत की मूली हो? मेरा नाम रणबीर है सर, मुंबई से आया हूँ। तुम मुंबई से यहाँ तक आए मेरा असिस्टेंट बनने? दुबई क्या है सर, झुमरी तलैया में होते तो वहाँ भी पहुँच जाता आपके लिए। एक मिनट सर, बापू के गांव का नींबू टकले पे लगाइए, 10-15 मिनट इससे मालिश कीजिए, बाल मेरे जैसे घने हो जाएंगे। तुम्हारे बापू के गांव में नींबू के, माँ के गांव में कद्दू के, क्या ले आते?
जुगता। मेरा जुगता बहुत अच्छा लगा। अब दासर बॉस बुला रहे हैं। क्या आता बॉस? मैं सोच कर आया था आप मेरे बॉस बनेंगे और यहाँ आपका भी कोई बॉस है? मेरा कोई बॉस नहीं है, उसका तो स्क्रू ढीला है। उस ढीले कैरेक्टर ने मुझे बहुत सारा माल दिया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट? किस चीज की सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर? जैकी है ना, उसके एंटीक आइटम्स की मैं साइंटिफिक तरीके से सिक्योरिटी करता हूँ। आप तो बड़े कमाल के हैं गुरु। क्या बात कर रहे हो, मैंने अपना कमाल दिखाया कहा है? लुक एंड हियर बुआ। क्या यही जैकी है गुरु? हाँ यही जैकी है, बुड्ढी घोड़ी लाल लगा रोमियो बना फिरता है, नाक में पाउडर डाल रहा, सर्दी हुई है ना? बेवकूफ, ये ड्रग्स ले रहा है। ये सब नहीं देखना है मुझे गुरु, आप वो सिक्योरिटी दिखाओ जहाँ चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। हो गए तुम मेरे इतने बड़े फैन हो ना, तुम्हारी बात में कैसे डालूं? देखो गुरु का कमाल। जरा पकड़िए इसे। महागुरु, आप आइंस्टाइन से भी ग्रेट हैं। आपका हाथ सिर पर होगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। देखिए मैं करोड़ों रुपए दे सकता हूँ। गुरु दक्षिणा, गुरु ले लीजिए, आपको लेना ही होगा, उसकी खुशबू तो लीजिए। चलिए ना सर, आइए गुरु आइए। माल का है ये, देखिए थोड़ा संभाल के। सो स्वीट गुरु दक्षिणा। भारी है, करोड़ों रुपए। आपके साथ एक फोटो तो बनता है। स्माइल प्लीज गुरु, प्लीज इसे खोलिए। मालिक तेरा लाख लाख शुक्रिया। सिर पे आए बाल मेरे बापू के नींबू का कमाल। उल्लू बनाया। स्टूपिड रास्कल, इडियट, तुमने उसे पूरी जानकारी दे दी, उसे यहाँ आने कैसे दिया? रिश्वत खोर, क्या ऑफर थी उसकी? रिश्वत तो दी, बापू के गांव के नींबू। ब्लडी फूल, ये क्यों? टकले पे घिसने के लिए, कमाल के नींबू है, बालू का लेंगे। तेरे नींबू की तप। ट्रांसमीटर मर गया। बॉयज, आप यहाँ रुकना सेफ नहीं है, लेट्स शिफ्ट। हेलो जैकी, पैसे का इंतजाम हो गया है, हम वहाँ त्रिशूल लेने आ रहे हैं। मैं रुद्र त्रिशूल के साथ मरीना पहुंच रहा हूँ। ठीक है जैकी। छन छन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा। जिस आदमी के पीठ पर वार करके तू भागा था, जिस आदमी के नाम से खुद मौत कांपती थी, रुद्रा। रुद्रा? मैं उसी का बेटा हूं। तूने सोचा रक्षक वंश खत्म हो गया? उन्हीं का खून आज मेरे नस नस में बह रहा है। कसम है उनकी, तुझसे उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। आज नहीं बचेगा तू। तू जिंदा रहेगा तब मारेगा ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल। रुद्रा त्रिशूल मेरे पास है, मैं वहां पहुंच रहा हूं, डैड से कह देना। जल्दी आना, तुम्हारे बिना सब कुछ सुना सुना लगता है।
दिल में मेरे बस गई जाना, देखते ही बन गया मैं तेरा दीवाना। दिल ये बोले कोई नहीं जहाँ मैं तुम जैसा, देखते ही तुमने मेरा दिल चुरा डाला। ओ जाने जा, हुआ है तो धड़कन ये बढ़ने लगता है, नशा ये मुझ में ये चलने लगता है। दुनिया को गोली मारो, दे दो एक चुम्मा दे दो। ग्रहण पूरा हुआ है, सूर्यास्त से पहले पूजा पाठ हो जानी चाहिए, रक्षक को आना होगा।
शक्ति कहाँ है अंकल? कोई हमारा पीछा कर रहा था तो वो उसे भटकाने गया है। उसने कहा है पूजा शुरू कर दीजिए। शक्ति आ जाएगा, पूजा आरंभ करें। बुढ़े, अपना ये पूजा पाठ बंद करो। ढोंगी कहीं का, तुम्हारी तबाही देखने के लिए मैंने इसकी आंखों की जगह अपने शौहर की आंखें लगा दी। अब देखती हूँ कौन सा रक्षक इस मंदिर को बचाने आता है। रक्षक का इंतजार मत करो, कोई नहीं आने वाला। पारस, तुम हमारी दोस्ती को फक्तूनी के करोड़ों रुपए ने खरीद लिया है। शट अप यू रास्कल। मैंने तुझे आज तक अपना छोटा भाई समझा और तूने मुझे ही धोखा दिया। ऐश्वर्या, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हें कितना भी रोके, देवी माँ की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। यदि पूजा नहीं हुई तो संसार का सर्वनाश हो जाएगा। समय बहुत कम है। ले चलो से। मेरे शौहर का सपना, शक्ति त्रिशूल। राखा, यहाँ का हर एक स्तंभ देवी माँ का प्रतिरूप है। हर एक स्तंभ को तोड़ दो, हर एक स्तंभ को तबाह कर दो, इस देश का नाश कर दो। तुम्हारे अब्बा की आंखें तबाही का मंजर देखना चाहती हैं। जाओ जाओ बेटा, तबाह कर दो सबको। माँ जगन्न माता, ये तुम्हारी इन 18 स्तंभों का नाश कर रही है। इस दुष्ट को रोकने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। इस मंदिर को आपको ही बचाना होगा। इस मंदिर का रक्षक कहाँ है माता? उसे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। No!
मंदिर को बचाने के लिए, तुझे दंड देने के लिए साक्षात जगन्न माता से शक्ति प्राप्त कर। वो आ गया, वो शक्ति स्वरूप। चाहे जो कर लो, मेरे बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हो। राखा, यहाँ सब तबाह कर दो। से पहले देवी माँ के पास त्रिशूल रख दो, 18वां स्तंभ बाकी है। आंखों की जगह अपने शौहर की आंखें लगाई। हे
दुष्टों को शिक्षा, शिष्टों की रक्षा, यही है जगन्नाथ माता की लीला। सर्व जगत में सुख शांति बनी रहे।